दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बिजनेस सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सोशियोलॉजी का एग्जाम है, तो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं की विवेचना करें। हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आंसर हो चुका है, अगर नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब वाले सेक्शन में जाकर के, प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर चेक करें, या तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ, ये है जनजातियों की आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि जनजातियों का अर्थ परिभाषा दें और फिर इसकी विशेषता बताएं, ठीक है। तो बात एक ही पड़ता है, किसी भी तरीका से आपको घुमा करके दे दे जनजाति और इनकी विशेषताओं के बारे में, तो आपको आंसर यही डालना है, ठीक है। आंसर बहुत ही आसान होने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या, मेरे वीडियो से कैसा आपको महसूस होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट आप लोगों का आंसर मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आंसर की, ठीक है। जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। सबसे पहले आते हैं हम लोग आंसर पे। तो देखो दोस्तों, जनजातियों का परिचय, आखिर जनजाति होती क्या है, ठीक है। हम जनजाति किसे कहेंगे, कौन लोग होते हैं जनजाति, किस लोगों का समूह होता है जनजाति, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जनजातियों ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब कहीं विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे जंगली में या तो फिर पहाड़ी वाला इलाका में कह सकते हैं, जिसकी अलग अलग भाषा होती है, जिसकी अलग एक अपना संस्कृति होती है, जिसकी अलग एक अपना रीति रिवाज होती है, जिसकी एक अलग रहन सहन होती है, और वे आधुनिक सभ्यता से प्रभावित नहीं होती है। आधुनिक मतलब जो नया नया मॉडर्न जमाना है उससे वो प्रभावित नहीं होती है, और वो अपना पुरानी सभ्यता से ही जीते हैं, प्राचीन सभ्यता में ही जीवन व्यतीत करना वो क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और इसी प्रकार के लोगों के समूह को जनजातियों का समूह कहा जाता है। मतलब देखो दोस्तों, जो जंगलों झाड़ों में जो लोग रहते हैं ना, उसी को जनजाति कहते हैं, ठीक है। तो वो एक दो लोग नहीं रहते, बल्कि बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, समूह रहते हैं, जिनमें से क्या होती है कि उनका रहन एक अलग क्षेत्र होता है। क्या वो हम लोग के साथ मिलकर रहता है, गांव घरों में मिलकर रहता है, नहीं, वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ियों में, जिसकी अलग भाषा होती है। क्या हमारी भाषा से उसके भाषा मैच करते, नहीं, उन लोग देखना अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। उनकी अलग भाषा होती है, उनकी अलग संस्कृति होती है, अलग अलग रीति रिवाज होती है, अलग अलग रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब अलग होती है। और हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक जमाना, यानी जैसे जैसे मॉडर्न जमाना बदलता जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बदलते जाते हैं, लेकिन वो लोग आधुनिक सभ्यता से प्रभावित नहीं होते हैं। वो लोग अभी आधुनिक के जैसा बदलते नहीं है, बल्कि वे अपने पुराने चीज़ों जो चलते आ रहा है उसी में विश्वास करते हैं और उसी के जैसा अपना जीवन जीते हैं। इसी प्रकार के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों के समूह को हम लोग जनजातियों का समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों को जनजातियों का अर्थ यानी जनजातियों का परिचय। अब देखते हैं जनजातियों का परिभाषा, कि अगर कुछ विद्वानों ने जनजातियों का किस प्रकार से परिभाषा दिया है। तो देखो, गिलिन और गिलिन के अनुसार ये जो विद्वान थे, इसने आखिर क्या कहा जनजातियों के बारे में, तो सुनो इसने क्या कहा। इसने कहा, जनजाति उन विभिन्न समूहों से बने हैं, बनने वाले एक बड़ा समुदाय। मतलब जनजाति क्या हुआ है कि वह उन विभिन्न समूहों से बनने वाले एक बड़ा समुदाय है। मतलब क्या है, लोगों का एक समूह से क्या है, एक बड़ा समुदाय है। मतलब पहले लोग, लोग से छोटे छोटे समूह बनते हैं, और समूहों का एक ये बड़ा समुदाय है क्या, जनजाति, ठीक है, जिनकी एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं। जो लोग क्या करते हैं, एक सामान्य क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं, और उनकी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। बात वही पड़ा, ठीक है, कि जनजाति उन विभिन्न समूहों से एक बड़ा समूह है। मतलब गिलिन और गिलिन का कहना है कि जनजातियाँ वह एक बड़ा समूह है जिनके एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी सामान्य भाषा का प्रयोग वो सब करते हैं, उनकी एक सामान्य संस्कृति होती है, रीति रिवाज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जनजाति। ये किसका कहना है, गिलिन और गिलिन के अनुसार, ठीक है। दूसरा, पिनिंगटन के अनुसार, ये पिनिंगटन ने क्या कहा, इसने कहा कि व्यक्तियों के उस समूह को हम जनजाति के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक सामान्य भूभाग में रहते हैं, भूभाग मतलब वही एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, तथा कुछ समान संस्कृति विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, तथा इनकी एक अलग प्रकार की विशेष संस्कृति होती है। मतलब सब कुछ वही सेम डिफिनेशन मिल रहा है, कुछ भी अलग अलग नहीं हो रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का अलग हो रहा है, बाकी सब कुछ वही सेम है, जो अर्थ वही, इन दोनों विद्वानों का परिभाषा सेम है, ठीक है। अब देखते हैं जनजातियों की परिभाषाएं यानी कि विशेषताएं, सॉरी, जनजातियों की विशेषताएं क्या है। देखो, जनजातियों की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है, ठीक है। तो पहला क्या, एक सामान्य भाषा,
ठीक है, इन लोगों में क्या होता है, एक सामान्य प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हम आगे भी एक्सप्लेन भी किए उसको, हम बताएंगे। ठीक है, एक सामान्य भाषा होती है, मतलब क्या होती है कि हम उसको देखो, इसको हम डिटेल्स आपको नीचे समझाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या, एक विशेष नाम होती है। तीसरा, निश्चित भूभाग होता है, इनका एक निश्चित विशेष क्षेत्र होते हैं। चौथा है, सामान्य संस्कृति होती है इनकी। पांचवा, परिवारों का यह एक समूह है, जो जनजाति वह क्या है, बहुत सारे परिवारों से मिलकर जनजाति बनती है। यानी ये ऐसा नहीं कि एक घर से हम लोग एक जनजाति हो गया, बहुत आखिर गांव ही बनता है, तो बहुत सारे घरों को मिला करके बनता है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे परिवारों से मिलकर एक समूह बनता है। ठीक है, छठा, विस्तृत आकार, इनका आकार जो है बहुत विस्तृत है। ठीक है, आकार यहाँ पे कम ये कहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्विवाही समूह। ठीक है, अंतर्विवाही समूह। आठवां है राजनीतिक संगठन, ये जो आपका आठवां है वो राजनीतिक संगठन, इसको हटा देना है। ठीक है, आठवां नंबर पर जो राजनीतिक संगठन है इसको हटा देना है, और यहाँ पे लिखना है शिक्षा का अभाव, इन लोगों में शिक्षा का भी अभाव होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 8 पॉइंट बन गया, ये 8ों पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हम लोग एक का करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो पहला पॉइंट क्या होगा, आप लोग जाके देख लो, एक सामान्य भाषा, मतलब कि जितने प्रकार की जातियाँ होती हैं उसमें हर एक जाति में एक अलग अलग प्रकार की सामान्य भाषा होती है। एक सामान्य भाषा मतलब आप लोग ये नहीं समझना कि एक ही भाषा सब में होती है, नहीं, अलग अलग प्रकार के जातियों में अलग अलग प्रकार के एक सामान्य भाषा होती है, मतलब समझो अलग अलग भाषा समझो। ठीक है, तो प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, जिसके माध्यम से भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ये जनजातियाँ प्राय स्थानीय बोलियों का प्रयोग करते हैं, मतलब देखो एक सामान्य भाषा के जगह में आप लोग ये भी लिख सकते हैं अलग अलग प्रकार की भाषा, मतलब अलग अलग प्रकार के जनजातियों में एक अलग प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठीक है, जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, वो अपने विचारों को, अपने बातों को अभिव्यक्त करती है, बोलते हैं। ठीक है, और ये जनजातियों कोई अमेरिकन या तो इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं बोलती है या संस्कृत नहीं बोलती है, बल्कि ये अपना स्थानीय लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब नॉर्मल जहाँ के लोग हैं वो उसी प्रकार के भाषा बोलते हैं। ये नहीं कि हाँ इंग्लिश बोलते हैं, अगर इंग्लिश बोलते हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात होता, बट वो अपना स्थानीय भाषा बोलते हैं, मतलब वहाँ का जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है उसी प्रकार का भाषा बोलते हैं। अगर हम लोग खोरठा के क्षेत्र से आ रहे हैं तो खोरठा बोल रहे हैं, अगर हम लोग भोजपुरी के क्षेत्र में रहते हैं तो भोजपुरी बोलेंगे, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा, एक विशेष नाम, अलग अलग जनजातियों के अलग अलग प्रकार के विशेष नाम भी होता है, जैसे आप लोग हो जनजाति सुनेंगे, संथाल जनजाति सुने होंगे, ठीक है, बिरहोर जनजाति सुने होंगे, अलग अलग प्रकार के, ताकि उनका पहचान बन सके। तो प्रत्येक जनजाति अपने नाम से पहचानी जाती है, जनजाति के सदस्य अपने नाम से ही अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं, अपना नाम जब भी अपना वो परिचय देंगे तो अपना पहले अपना बताएंगे कि वो किस जनजाति के हैं। तीसरा, निश्चित भूभाग, मतलब एक अलग प्रकार के क्षेत्र में लोग रहते हैं। ठीक है, जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, रहते हैं। ठीक है, एक निश्चित भूभाग में रहने के कारण ही जनजातियों में सामान्य जीवन की विशेषताएं विकसित हो जाती है, मतलब एक समान अलग प्रकार की क्षेत्र में रहते हैं, जिसके पास जिसके कारण उसके पास एक अलग प्रकार की विशेषताएँ वो लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर रहते हैं जिस प्रकार से वो लोग रहते हैं उसी प्रकार की विशेषताएँ उसके मन में भी विकसित हो जाती है। ठीक है, निश्चित भूभाग जनजातियों की विशिष्ट पहचान है। अब देखो, एक निश्चित भूभाग इन जनजातियों के क्या है, एक विशिष्ट पहचान है, बहुत बड़ा पहचान है। ठीक है, उन लोगों का एक पहचान का अलग बनाता है, वही पहचान जो निश्चित भूभाग है इन लोगों का पहचान एक अलग बनाता है। चौथा, सामान्य संस्कृति, प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति से जानी जाती है, किंतु एक ही जनजाति से जनजाति के सभी सदस्यों में एक समान संस्कृति अर्थात प्रथाएं, रीति रिवाज, नृत्य, धर्म, खान पान, रहन सहन होता है। देखो, सामान्य संस्कृति का मतलब ये, प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति से जानी जाती है, मतलब हर एक जाति में लगभग लगभग अलग प्रकार का संस्कृति पाई जाती है, लेकिन लगभग लगभग सेम ही होती है। ठीक है, किंतु एक ही जनजाति के सभी सदस्यों में, मतलब देखो अलग अलग प्रकार के जनजाति हैं तो अलग अलग प्रकार का संस्कृति पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रकार की जो जनजाति है, जैसे मान लो बिरहोर जनजाति है, ठीक है, तो बिरहोर जनजाति में रीति रिवाज समय तो सेम ही होगा, अब बिरहोर जनजाति में भी अलग अलग रीति रिवाज नहीं होता है, एक जनजाति में एक प्रकार का संस्कृति, एक प्रकार का रीति रिवाज, एक प्रकार का खान पान, रहन सहन, दूसरे जनजाति में हो सकता है उन लोगों का रीति रिवाज अलग होगा, लेकिन एक जनजाति में एक ही प्रकार का रीति रिवाज होती है, एक ही प्रकार का संस्कृति होती है। ठीक है,
पांचवा है परिवारों का एक समूह। ये जो जनजातियों है ना वो परिवारों का एक समूह है, आखिर जनजाति तो एक समूह है, तो ये समूह किससे मिलकर बनता है, परिवारों का यह एक समूह है। ठीक है, तो सामान्यतः जो जनजाति है ना कि अध्ययन से स्पष्ट होता है ना कि जनजातियों को जितने भी सारे चीज़ है उसको पढ़ने समय अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जनजाति एक समान प्रजातीय तत्वों एवं एक समान भाषा संस्कृति वाले परिवारों का एक समूह है। मतलब यह क्या, परिवारों का एक समूह है जहाँ पे समान प्रकार के तत्व समान प्रकार के भाषा संस्कृति बोली जाती है। ठीक है, छठा है विस्तृत आकार। अब इसका ये मत सोचना कि इसका आकार बहुत छोटा है बल्कि विस्तृत आकार है इसका। ठीक है, यानी कि कुछ जनजातियों को छोड़ करके, कुछ ही ऐसे जनजाति जिनको छोड़ करके अधिकांश जनजातियों का आकार जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। भारत में अनेक जनजाति ऐसे भी हैं जिनके सदस्यों की संख्या लाखों में है, कोई 1-2 हज़ार नहीं बल्कि लाखों में। कुछ ऐसे जनजाति है जिसकी भारत में जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो लाखों में इनकी जनसंख्या है। सातवां है अंतर्विवाह समूह। मतलब देखो, अंतर्विवाह समूह का मतलब क्या होता है कि जिस जनजाति के ये लड़का है उसी जनजाति के लड़की से शादी करेगा। मतलब अपना ही समूह में, अपना ही गोत्र में, अपना ही जाति में वो क्या करेंगे, विवाह करेंगे, उसको बोलते हैं अंतर्विवाह समूह। अन्य जनजातियों का अंतर्विवाह समूह है। इसका तात्पर्य है कि एक जनजाति कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करते हुए पकड़ा जाता है तो जनजाति के नियमों के अनुसार उनकी पंचायत द्वारा उसे कठोर दंड भी दिया जाता है। तो इनकी एक अलग भी विशेषता होती है कि प्रत्येक जितने भी सारे जनजाति है उसमें लगभग अंतर्विवाह समूह ही पाया जाता है, अंतर्विवाह विवाह ही पाई जाती है। ठीक है, आठवां है राजनीतिक संगठन। देखो, राजनीतिक, राजनीति का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम को किस प्रकार से चलाया जा रहा है, हमारे भारत देश को किस प्रकार से चलाया जा रहा है, इसको बोलते हैं राजनीतिक, है ना। तो आखिर वहाँ के जनजाति लोगों में भी तो कुछ होता होगा ना, वहाँ के भी तो कुछ लोग होते होंगे, जब वहाँ पर कुछ भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा तो उसको भी फैसला कराने वाले कुछ तो लोग होते होंगे। वहाँ राजनीति कैसा चलता था, तो प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता था, हर एक जो जनजाति होता था ना उसका एक मुखिया होता था और वही मुखिया देखभाल पालन पोषण सब कुछ करता था। ठीक है, जो अपने समाज की परंपराओं का पालन कराने, कैसे पालन कराना है, नियंत्रण कैसे रखना है, नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो दंड की व्यवस्था भी किया गया था मुखिया के द्वारा। तो उस प्रकार से वहाँ पे राजनीतिक संगठन बनाया गया था। 9 नंबर है शिक्षा का अभाव। जनजाति समूह में शिक्षा का अभाव बहुत ही अधिक होता है। भारत सरकार ने शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए अनेक दम भी उठाए हैं, अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है, जनजातियों में शिक्षा का अभाव बहुत बड़ा है, यानी बहुत वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, उन लोगों में शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है। इसको दूर करने के लिए ताकि जनजाति लोगों के अंदर ज्ञान आए और वो लोग हम लोग जैसे नॉर्मल खाते पीते हैं गांव घर में शहर में रहकर के, वैसे उन लोग भी रहे, लेकिन बहुत मदद करने के बाद भी, सरकार बहुत कदम उठाने के बाद भी जनजाति लोग अपने धर्मों को छोड़ करके, अपने संस्कृतियों को छोड़ करके आने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, जनजाति क्या है, या जनजाति का अर्थ दे दे या परिभाषा दे दे। ठीक है, या तो जनजाति सब क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत ही जल्द के साथ में मिलूंगा। तब तक जय हिंद।